लाल लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में 2013 से पहले 100 एमबीबीएस की सीट्स थी, लेकिन 2013 में एनएमसी ने इंस्पेक्शन करके एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ा दी थी। 2013 में एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो है 100 से बढ़कर 150 हो गई थी। 2013 से लेकर 2019 तक इस मेडिकल कॉलेज में 150 सीट्स पर ही एडमिशन की प्रक्रिया होती रही और काउंसलिंग भी 150 सीट्स के लिए होती रही। लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 में जब एनएमसी ने री इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया कि मेडिकल कॉलेज में फैकल्टीज की बहुत बड़ी कमी है, तो इसलिए दुर्भाग्यवश 2019 में 50 सीटें एनएमसी ने वापस ले ली। यानी 2019 में 150 से घटा करके सीटें 100 कर दी गई और मुख्य कारण था फैकल्टीज की कमी। लेकिन प्रिंसिपल डॉक्टर आरसी गुप्ता और उनकी टीम लगातार प्रयास करती रही कि वो 50 सीटें जो एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज से वापस ले ली हैं उन्हें पुनः प्राप्त किया जाए। इन्हीं प्रयासों के तहत मेडिकल कॉलेज ने अपने मानकों को एनएमसी के लेवल तक पहुंचाने के लगातार प्रयास किए और इस प्रयास में वो सफल रहे। अभी कुछ दिनों पहले एनएमसी ने बताया कि अगले आने वाले कुछ दिनों में 50 एमबीबीएस की सीट्स एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में वो इंक्रीज कर देंगे। इससे उत्साहित होकर के कॉलेज के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि ये 50 सीटें तो उन्हें वापस मिलने जा ही रही हैं, लेकिन उनका प्रयास है कि आगे आने वाले समय में वो 50 और सीट्स बढ़ाने के लिए एनएमसी में आवेदन करेंगे, जिससे कि आने वाले 1-2 सालों में एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में नंबर ऑफ सीट 100 से बढ़ के 200 हो जाएंगे। यानी आज 2024 में ये सीट्स 100 से 150 तो होने जा रही है, लेकिन अगले आने वाले 1 या 2 साल में ये 150 से 200 भी हो सकती है। इससे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को और ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करने वाले अन्य स्टेट के स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदा होगा।